बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो मेरे लाडलो जागो, अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं, मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं, धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले, डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले, प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो मेरे लाडलो जागो, अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाड
लाड लो जागो मेरे लाड लो जागो। Thank you.
शांति, कुछ समय के लिए सभी अपने मन बुद्धि को अन्य सभी बातों से समेट ले, अनुभव करें। मैं परम पवित्र आत्मा त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझसे पवित्रता की सुंदर रश्मियाँ चहुं ओर फैल रही हैं। मैं पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मेरा श्वास है। मेरा जीवन है। मेरा श्रृंगार है। मैं आत्मा पवित्र पूर्वज हूँ। कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ। स्वयं मेरे साथ सर्वशक्तिमान बीज रूप शिव बाबा भी विराजमान है। पवित्रता के सागर शिव बाबा से मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति लेकर सारे कल्प वृक्ष को दे रही हूँ। मैं पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। आज सारा संसार अपवित्रता की अग्नि में जलकर दुखी और अशांत हो गया है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य स्वरूप आत्मा को पुकार रही हैं। मैं उन्हें विश्व के ग्लोब पर इमर्स करके पवित्रता की सकास दे रही हूँ। जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रही है। महसूस करें, मैं आत्मा एक व्रता हूँ। मेरे सारे संबंध एक बाबा से है। बाबा ही मेरे संसार है। वही मेरे सर्वस्व है। मैंने दिल से अपना सब कुछ मान लिया है।
वही मेरे सच्चे साथी भी हैं और सहारे भी हैं, वही सच्चे शुभचिंतक और मार्गदर्शक हैं। उनके सिवाय और कोई भी इस विषय सागर से मुझे पार नहीं ले जा सकता। संसार के सभी व्यक्ति मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन बाबा सदा मेरे साथ रहेंगे और अपने ही साथ मुझे भी ले जाएंगे। ऐसे प्रियतम पर मैं आत्मा संपूर्ण समर्पित होती हूँ। अनुभव करें, यह शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा इसमें रथी हूँ। मेरी बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। इस रथ में मैं आत्मा मस्तक के बीच निवास करती हूँ। महसूस करें, मुझे आत्मा से रंग बिरंगी किरणें निकल रही है। मैं आत्मा पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम व सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि से चांद सूर्य तारागण से भी पार होती हुई श्वेत प्रकाश के घर में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ केवल इशारों की भाषा है, संकल्पों की भाषा है। यहाँ कोई स्थूल आवाज नहीं है। कैसा प्यारा और निराला है यह वतन। यहीं पर स्वयं मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा निवास करते हैं। यहाँ पर ही मेरे प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से नयन मुलाकात करते हैं। देखें, बाप दादा स्वयं बाहें फैलाएं
मेरा आवाहन कर रहे हैं। मैं बाबा की बाहों में समा जाती हूँ। कितना प्यारा है ये मिलन बाप और बच्चों का। बस मन करता है कि सदा बाबा की बाहों में समाई रहूं, केवल बाबा के नयनों से प्रकाश और शक्ति अपने में समाती रहूं। न समय की सीमा हो और न देह और देहधारियों की स्मृति हो, बस एक पल के लिए बाबा से जुदा ना हो। अब महसूस करें मैं आत्मा सूक्ष्म वतन को छोड़कर मीठे वतन परम धाम की ओर जा रही हूँ। मेरा सूक्ष्म शरीर भी लोप हो गया है। चारों तरफ पवित्रता की ही किरणें हैं। सर्वशक्तियों व गुणों का ही अनुभव मुझे हो रहा है। मैं आत्मा अपने मीठे बाबा के पास स्थित हो जाती हूँ। अब मुझे बाबा से शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद व सुख का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा बाबा से एक एक गुण व शक्ति से अपने आप को भरपूर कर रही हूँ और साकार मनुष्य लोक में ट्रांसफर कर रही हूँ। अनुभव करें बाबा से बातें करते हुए। देखें मेरे मीठे प्यारे बाबा, आप पवित्रता के सूर्य हो। आपसे उतर उतर कर पवित्रता की किरणें गोल्डन प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही हैं। इन किरणों से मेरी सारी अपवित्रता मिटती जा रही है। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनती जा रही हूँ।
मेरे अंदर का अंधकार समाप्त हो रहा है और मैं आत्मा स्वर्ण समान चमकने लगी हूँ। अब मैं पवित्रता का सूर्य बनकर पवित्रता की गोल्डन किरणों में फैला रही हूँ। मेरी यह किरणें बहुत दूर स्थित साकार मनुष्य लोक तक पहुंच रही है। जिससे सभी मनुष्य आत्माएं पावन बन रही हैं, उनका भी अंधकार दूर हो रहा है, वह भी स्वर्ण समान चमक रही है। उन्हें भी अतींद्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व भी सतोप्रधान हो रहे हैं। यह कलियुगी दुनिया समाप्त हो रही है। सतयुगी गोल्डन दुनिया स्थापन हो रही है। बुराइयों का साम्राज्य नष्ट हो रहा है। मैं आत्मा भी अतींद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाबा, आप शांति के सागर भी हो। आपसे शांति की किरणें निकलकर मुझे प्राप्त हो रही हैं। इन किरणों से मेरी सारी अशांति दूर हो रही है। मैं आत्मा शांति की अनुभूति कर रही हूँ। गहन शांति अनुभव हो रही है। मैं आत्मा चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। साकार मनुष्य लोक की आत्माओं को भी शांति प्रदान कर रही हूँ। पूरे ग्लोब पर शांति की किरणें पड़ रही हैं। सभी का तनाव समाप्त हो रहा है। तमो प्रधान प्रकृति भी सतो प्रधान प्रकृति में परिवर्तित हो रही है।
चारों तरफ हरियाली, बाग बगीचे दिखाई दे रहे हैं। सारी प्रकृति सुंदर, सुगंधित, शीतल, खुशबूदार बन गई है। मुझे बहुत ही हर्षित हो रहा है कि यह पूरा ही संसार सतों प्रधानता को प्राप्त हो रहा है। कितना सुंदर यह नजारा है। वाह मेरे बाबा, आप तो पूरे विश्व को ही परिवर्तित करने वाले हो। आपका हृदय से बारंबार शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।